सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए अपने यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस की एग्जाम की तैयारी को द बेस्ट करने के लिए। यह वीडियो 67 बीपीएससी के लिए उन विद्यार्थियों के लिए है जो इस बार 7 मई को बीपीएससी में अपियर हो रहे हैं। हालांकि बीपीएससी की प्री की तैयारी करने के लिए वीडियो ऑलरेडी मेरे इंटरनेट पे पहले से अपलोडेड है इसी चैनल पे। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखे होंगे तो अब देख लीजिएगा। लेकिन अब आज से मतलब कि 7 मई तक, आज से नहीं इनफैक्ट 30 दिन पहले क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे ताकि आपका कीमती समय बचे। हम लोग शुरू करते हैं। स्लाइड एक जो आपने दिख रहा होगा, आपको इतिहास लिखा होगा, इस पर स्लाइड हमने खुद ही बनवाया है और इसको बनाने में काफ़ी मेहनत लिया है, काफ़ी रेफर करके ये बनाया गया है स्लाइड। ये इसको ध्यान से पढ़िएगा और संभव हो तो इसको फॉलो कीजिएगा। बीपीएससी में इतिहास पोर्शन का प्रश्न बहुत ज़्यादा अच्छा पूछता, अच्छी मात्रा में पूछता, आप लोग जानते होंगे। कुछ इतिहास बहुत ही ईजी पूछता है, जो आप लोग बिहार स्पेशल के इतिहास में हम चर्चा करेंगे वो पढ़ लीजिएगा। लेकिन जहाँ से इतिहास के प्रश्न गारंटी पूछे जाएंगे और जहाँ से प्रश्न टैली करेंगे हम लोग उस पर आज फोकस करेंगे। बुक हमने पिछली वीडियो में रेकमेंड किया था स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन का, आधुनिक भारत का इतिहास, राजीव अहिर ने लिखा है। ये आईपीएस हैं, इनकी बुक यूपीएससी के लिए हाईली रिकमेंडेड है, बीपीएससी के लिए यूजुअली उतना ही रिकमेंडेड जितना बाकी एग्जाम के लिए है। तो अब इतनी मोटी पुस्तक में सब नहीं पढ़ना है, अब नहीं पढ़ना है, आज से जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे, जब अपलोड हो जाएगा ये, उस दिन से 6 मई तक इस किताब में क्या पढ़ना उसकी डिटेल चर्चा है। लेकिन ये किताब पहले कौन पढ़ेंगे, हमने लिख दिया है पहले, देखिए हम क्या लिखा हुआ, जिनका सिलेबस और पकड़ मजबूत नहीं है, मतलब जिसका इतिहास विषय पे पकड़ मजबूत नहीं है वो व्यक्ति इस किताब को रेफर करेंगे, राजीव अहिर का किताब को, आधुनिक भारत का इतिहास स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन का। और उस पूरी मोटी पुस्तक को नहीं पढ़ना है, उसमें सबसे पहले क्या पढ़ना, इकाई 4 यूनिट 4 में चैप्टर नंबर 8 एंड 9, 8 में क्या है, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन साधारण विशेषताएं, उसमें जितने सामाजिक सुधार जितनी संस्थाएं बनी थी, इसका पीडीएफ मिल जाएगा, नोट करने की जरूरत नहीं है, जितनी संस्थाएं बनी थी आर्य समाज से लेके क्या क्या बनी सारा डिटेल रहेगा, जितनी पत्र पत्रिकाएं लिखी गई प्रकाशित की गई उसकी पूरी डिटेल रहेगी, ये पढ़ना चाहिए आपको। सामाजिक सांस्कृतिक सुधार आंदोलन का अवलोकन, उसमें क्या क्या क्रिटिकली इवेल्यूएशन हुआ उसका चर्चा है, ये दो चैप्टर पढ़ना है आपको इकाई 4 का। आगे देखते हैं, अब सीधे इकाई 5 नहीं पढ़ना है, सीधे यूनिट 6 पढ़ना है, उसमें अध्याय 12 पूरा अध्याय भी नहीं पढ़ना है जी, एक ही चैप्टर पढ़ना है, राष्ट्रवाद का युग जो 1905 से 1909 तक, यानी बंगाल विभाजन से लेकर मार्ले मिंटो तक, इतना ही पढ़ना है, बाकी को छोड़ देना है। फिर इकाई 7 में पढ़ना है अध्याय 15, देखिए 13-14 आपको मैंने गायब कर रखा है, अध्याय 15 है गांधी का अभ्युदय, यानी कि गांधी का अभ्युदय कब होगा, 1915 में, हालांकि पॉलिटिकली रूप से गांधी एक्टिव होंगे 1917 में, ये माना जाए 1917 से 1919 तक का। फिर खिलाफत आंदोलन है, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन है, ये पढ़ना है आपको, बाकी सारे चैप्टर को स्किप कर देना है, जितना लिखा है उतना ही पढ़ना है। आगे पढ़ते हैं हम लोग इकाई 8, देखिए फिर गायब हो गया, बहुत सारा चैप्टर हमने छोड़ रखा है, अध्याय 22 पढ़ना है सीधे, बाकी सारे चैप्टर को आप छोड़ दीजिए क्योंकि पहले से आपने पढ़ रखा था। भारत छोड़ो आंदोलन है, छोड़ो नहीं होता है, छोड़ो होता है, आज़ाद हिंद फौज एवं पाकिस्तान की मांग, उसके बाद 23 नहीं पढ़ना, 24 पढ़ना है युद्धोपरांत राष्ट्रीय परिदृश्य, यानी कि युद्धोपरांत मतलब क्या, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगा तो उसके बाद भारत में उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा 1942 के क्रांति से लेकर 1947 तक, इस चैप्टर में पढ़ना है, बाकी चैप्टर को इस मोटी पुस्तक को उठा के कोने में रख देना है, इतना ही पढ़ना है। लेकिन ये तो आधुनिक भारत हो, वैसे तो काम चलेगा नहीं, बाकी के लिए क्या पढ़ना है आपका, प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत छूट जाएगा, तो उसके लिए आपको सामान्य घटना चक्र की जो मोची पुस्तक है क्वेश्चंस बैंक, उसका प्राचीन भारत मध्यकालीन भारत बना लेना है क्वेश्चन, इतना में इतिहास का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। भारतीय इतिहास का मतलब ठीक है, ये तो उनके लिए जिनका इतिहास का पकड़ है मतलब कि ठीक ठाक नहीं था, अब इनका जिनका इतिहास के बारे में सामान्य जानकारी है, इतिहास सब्जेक्ट के बारे में जानकारी रखते हैं, पहले से पढ़ रहे थे, या ये बीपीएससी उनका तीसरा या दूसरा अटेम्प्ट है तो इतिहास पहले से पढ़ रखे थे, तो उनके लिए उतना मेहनत क्यों करेंगे भाई, उनको सब तो कंसेप्ट है ही उनके पास, उनको डाटा उनको याद करना है, उनको फटाफट ढेर सारे कंटेंट पढ़ना है, तो आप इस पुस्तक को रेफर करेंगे
भारतीय इतिहास केटीसी किरण पब्लिकेशन की, और ये पीडीएफ में आपको मिलेगा। उसको डाउनलोड करके आप पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए। प्राचीन भारत में इतना ही टॉपिक पढ़ना है, सैंधव सभ्यता, सैंधव सभ्यता में क्या पढ़ना है, कहाँ से खुदाई में क्या क्या मिला, जैसे चिराग छपरा में कुम्हरार में जो मिला वो ध्यान रखना है। वैनिक नहीं होता, वैदिक होता है, गलती लिख दिया गया, वैदिक संस्कृति, धार्मिक आंदोलन बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से पढ़िए। ये जो धार्मिक आंदोलन है इसी में आपको आएगा जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, क्योंकि जैन धर्म बौद्ध धर्म दोनों बिहार की धरती से उपजा है, इसलिए ये बीपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वाली धार्मिक आंदोलन बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। 16 महाजनपद, देखिए मगध का साम्राज्य का उदय हुआ है बिहार में, ये आपका भारत का इतिहास भी, बिहार का इतिहास भी, इसको पढ़ेंगे। मगध राज का उत्कर्ष, मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य पढ़ना है। मौर्योत्तर साम्राज्य नहीं पढ़ना है जी, वो लूसेंट से पढ़ लीजिएगा, काफ़ी है। मौर्य साम्राज्य के बाद सीधे गुप्त साम्राज्य पढ़ना है, क्यों? क्योंकि गुप्त साम्राज्य में स्थापत्य कला बहुत ज़्यादा चरम स्थिति पर रहेगा, तो प्रश्न वहीं से पूछेगा, ये पढ़ना है। मौर्योत्तर साम्राज्य नहीं पढ़ना है, कोई ज़रूरत नहीं पढ़ने की। इसका मध्यकालीन भारत में क्या पढ़ेंगे, देखिए हिंदू संस्कृति, मतलब कि जब हिंदू मुस्लिम संस्कृति का जब जहाँ पे जुड़ाव होगा ना, वो चैप्टर पढ़ना, उसको टॉपिक लिखा हुआ है, उस किताब का टॉपिक है ये। 15वीं-16वीं सदी के धार्मिक आंदोलन, जितने धार्मिक आंदोलन, सुधारवादी आंदोलन जितने हुए हैं मध्यकालीन भारत में, वो पढ़ना है, और मुगल साम्राज्य पढ़ना है, बाकी दिल्ली सल्तनत ये सब आप छोड़ देना है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आप लोग ये सब पहले से पढ़े हुए हैं, अब उसी को पढ़ना है जो एकदम इम्पोर्टेंट है, बस इतना ही पढ़ना है मध्यकालीन भारत में। इसके अलावा आपको मध्यकालीन भारत इस पुस्तक से नहीं पढ़ना है। आधुनिक भारत और हमने काम कर रखा है आपके लिए, 57 की क्रांति बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि मेंस में भी है और पीटी में भी है ना, 57 की क्रांति पढ़ना है। 19वीं सदी में सामाजिक एवं सांस्कृतिक आंदोलन, मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप लोग डबल टिक लगाइए इस पर। 19वीं सदी में सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन पर डबल टिक लगाएं, इसको बहुत ही गौर से पढ़ें, बहुत ही ध्यान से पढ़ें, इसके एक एक कंटेंट को 10-10 बार रफ कॉपी में लिख के प्रैक्टिस करें। किसान विद्रोह एवं आंदोलन, वाह क्या मैंने प्रूफ रीडिंग है, हम पहले देखना चाहिए था हमको, आंदोलन लिखा हुआ है। ये होगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत का संवैधानिक विकास, इतना 1, 2, 3, 4, 5, बस यही 5 टॉपिक आपको आधुनिक भारत का इतिहास इस पुस्तक से पढ़ना है। यानी कि आपको इस पुस्तक में से जो सिलेक्टेड है, मैं चाहूँगा स्क्रीन पे इसको बढ़िया से आप दिखाएं, जो स्क्रीन पे लगा हुआ है कि इस पुस्तक में से क्या पढ़ना है, आप इनको बढ़िया से रिकॉर्ड कीजिए। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत का यही चैप्टर आपको इस पुस्तक से पढ़ना है। और इसके अलावा, इतना पढ़ने के अलावा, प्रतिदिन इतिहास के 50 प्रश्न आप बनाएंगे सामान्य घटना चक्र से, प्रतिदिन मिनिमम 50 क्वेश्चन बनाएंगे इस पुस्तक को पढ़, चूंकि हम कंटेंट कम कर दिए हैं, टॉपिक कम कर दिए हैं, तो आप कम से कम 50 क्वेश्चन आप बनाएंगे प्रत्येक दिन इस पुस्तक से, सामान्य घटना चक्र से, जिसका आधुनिक भारत का हो, प्राचीन भारत का हो, मध्यकालीन भारत का हो, मिनिमम 50 क्वेश्चन बनाना है, ये इतिहास आपका इतना से काम चल जाएगा। भूगोल में हमने दम आसान कर रखा, फिर एकदम आसान, आज के बाद जितनी भूगोल की किताबें होंगी सब कोने में बंद कर दीजिएगा, सिवाय इसके भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत NCERT का है, क्या है नहीं लिखा हुआ है इसमें, NCERT यहाँ पे लिखेंगे आप लोग, NCERT का चाहिए, 11th क्लास का NCERT है, उसमें मात्र यही चैप्टर पढ़ना है बस, 2, 3, 4, 5, जैसे पृथ्वी, तो पृथ्वी का आर्थिक संरचना, भूकंप, ज्वालामुखी सब इसमें आ जाएगा, भू आकृतियाँ में जितने जो जमीन के अंदर में जो बनते हैं, कई सारे भू आकृतियों का फॉर्मेशन होता है, उसकी चर्चा है। जलवायु सबसे इम्पोर्टेंट, डबल टिक लगाइए जलवायु पे, जलवायु पे डबल टिक लगाएंगे आप लोग, सबसे इम्पोर्टेंट आपका यही है। उसके बाद जल मतलब महासागर, बाष्पीकरण, तो संघनन, तो क्या क्या उसमें सब पढ़ना है आपको, ये इतना ही टॉपिक पढ़ना है आपको अब आज से, जो 11th NCERT से पढ़ना है, ये फिजिकल ज्योग्राफी। इसके अलावा कुछ कोई पुस्तक आज के बाद 7 मई तक नहीं पढ़नी है। भारत के भूगोल के लिए मात्र एक किताब पढ़नी है जी, सिर्फ और सिर्फ एक किताब, आज से लेकर 7 मई तक, और वो किताब का नाम है पेरियार प्रकाशन का, अरविंद कुमार, भारत का भूगोल, बस एक ही पुस्तक आज से पढ़ेंगे। अगर आप नोट्स बनाएंगे भारत के भूगोल का, तो वही नोट्स बनेगा जिस आदमी ने किताब में लिख रखा है। अब आपके पास वक्त नहीं है नई किताबें पढ़ने का, आप ये पढ़ लीजिएगा। नहीं, ये NCERT का नहीं है, ये भारत का भूगोल अरविंद कुमार का, पेरियार प्रकाशन का। NCERT का ये है भौतिक भूगोल का मूल सिद्धांत, टाइपिंग मिस्टेक है ये। 11th का गलत लिखा हुआ था वो। पॉलिटी में कोई किताब नहीं पढ़ना जी, नोट कर लीजिए, पॉलिटी में आज के बाद से कोई किताब BPSC प्री के परीक्षा तक नहीं पढ़ना है,
सिर्फ और सिर्फ सामान्य घटना चक्र का क्वेश्चन बैंक से बना लेना है क्वेश्चन डेली 100 अगर पॉलिटी आप 2 घंटा पढ़ते हैं या 1 घंटा पढ़ते हैं तो 1 घंटा कुछ नहीं कीजिए, 1 घंटा में सिर्फ क्वेश्चन बनाइए, जितना क्वेश्चन आप बना सकते हैं 100-150 जितने प्रश्न बनाने की क्षमता उतना बनाइए। किताब आज से नहीं पढ़ना है। साइंस के लिए सामान्य घटना चक्र क्वेश्चन बैंक सफिशियंट है, एकदम सफिशियंट है उन लोगों के लिए जिनका साइंस मजबूत है। और जिनको साइंस भी पढ़ना है, डिटेल्स में पढ़ना है, तो 9th-10th का NCERT पढ़ लीजिए, ओनली OMI नहीं, ओनली फिजिक्स एंड बायोलॉजी पढ़ना है बस। अगर साइंस का NCERT पढ़ रहे हैं 9th-10th का, तो फिजिक्स और बायोलॉजी पढ़िए, केमिस्ट्री को छोड़ दीजिए, अब टाइम आपके पास नहीं है। वैसे हमसे पूछें तो हम रिकमेंड करेंगे सामान्य घटना चक्र का क्वेश्चन बैंक सफिशियंट है आपके किसी भी तरह के साइंस के लिए। आज से जितना आपको बेसिक बुक पढ़ना था आप पढ़ चुके होंगे, अब नया बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इकोनॉमिक्स और आसान कर दिए हैं जी, बिहार का बजट, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे आउट क्वेश्चन है, 5% रहेगा, इसको नहीं पढ़ेंगे गारंटी है छूट जाने की। पढ़ लीजिएगा, प्रिंट आउट खरीद लीजिएगा मार्केट से। प्रतियोगिता दर्पण का इकोनॉमिक्स का अतिरिक्तांक आता है, प्रतियोगिता दर्पण एक हर विषय का अतिरिक्तांक निकालता है, उसमें एक इकोनॉमिक्स का है, आर्थिकी अर्थव्यवस्था बोलते हैं, उसका शुरुआत में 10 पन्ना दिया हुआ रहता है, उसी 10 पन्ने का फोटोकॉपी करवा लेना है ठीक, बाकी को छोड़ देना है और उसी को 20 बार पढ़ना है। और आखिरी में खनिज लवण उत्पादन उत्पादक की पूरी लिस्ट, लोहा से लेके कोयला से लेके मैग्नीज से लेके जितना है आपके खनिज मिनरल्स स्टेट में और कंट्री में, कोयला सबसे अधिक किस स्टेट में किस कंट्री में, सबसे अधिक भंडार किसका उत्पादक किसका स्टेट में बगल में कंट्री में, लोहा सबसे अधिक उत्पादन किसका भंडार किसका स्टेट में और कंट्री में, इंडिया किस नंबर पे, तो कन्फ्यूजन। ये मिनरल्स बुक पब्लिश करता है भारत सरकार, उससे रेफ़र करेंगे आप, मिनरल्स बुक ऑफ इंडिया को रेफ़र करेंगे, सारा डिटेल मिलेगा, या आपके जो शिक्षक यहाँ पढ़ाते हैं आपको लिस्ट बना के दे देंगे, उनसे पूछ लीजिएगा। लेकिन सब दो जक्स्टा पोजिशन होना चाहिए, बगल में स्टेट बगल में कंट्री, समझ गए ना आप, इतना सा आपका इकोनॉमिक्स का कन। आपकी इच्छा है तो पढ़िए, अगर परीक्षा मंथन पढ़ने का, परीक्षा मंथन वो पढ़ेंगे जो पहले से पढ़ रहे थे, क्योंकि पुस्तक मोटी है डिटेल्ड है। अब जिन्होंने पहले से परीक्षा मंथन की पुस्तक नहीं पढ़ा है उनके लिए कोई भी अपनी पसंद की 2 पुस्तक पढ़नी पड़ेगी, एक नहीं 2, करेंट की 2 पुस्तक पढ़ेंगे, जो भी आपको पसंद है पढ़ लीजिए, जिस पब्लिकेशन का पढ़ना है पढ़ लीजिए, हम बताएंगे तो मेरे पर प्रचार करने का आरोप लगने का संभावना है। वैसे हम परीक्षा मंथन पिछले वीडियो में बताए थे, हम फिर रिकमेंड करेंगे, आपने अगर पहले से परीक्षा मंथन पढ़ा तो उसको रिवाइज कीजिए, अगर नहीं पढ़ा तो जिस पुस्तक को पढ़ रहे हैं उसको पढ़िए, लेकिन कम से कम 2 होना चाहिए करंट अफेयर, एक नहीं। दूसरा बिहार स्पेशल, हम इसके लिए भी विभास पनोरमा रिकमेंड किए हैं, अगर आपको पढ़ना है तो ठीक है, नहीं पढ़ना है तो जो भी विभास जो भी अपनी मर्जी की पुस्तक पढ़ रहे हैं बिहार स्पेशल के लिए, वो 2 पुस्तक पढ़ेंगे, यहाँ भी 1 पुस्तक से काम नहीं चलेगा, 2 पुस्तक पढ़ लीजिए, जो पुस्तक ज़्यादा ऑथेंटिक आपको लगता है उस पे पन्ने पे ही लिस्ट बना लीजिए। जैसे बिहार में मान लो ठीक है हम पूछते हैं कितने गर्म जल धाराएं हैं, आपने जिस पुस्तक पे पढ़ा तो 1 पुस्तक चुन लीजिए, उस पुस्तक पे देखिए दोनों में टैली करके क्या किसी में एक्स्ट्रा डाटा है, तो जो डाटा एक्स्ट्रा है उसको उसमें ट्रांसफ़र कर लीजिए, बुक पे ही, पन्ने पे नहीं, कॉपी पे नहीं, बुक पे ट्रांसफ़र करना, और बाद में उस बुक को भी हटा देना परीक्षा के 10 दिन पहले, फिर 1 बुक पे आ जाना है ठीक है। ऑब्जेक्टिव है ना, ऑब्जेक्टिव से 1 सब्जेक्टिव पढ़ना पड़ेगा। सामान्य प्रश्न, हाँ ये तो हो गया बिहार स्पेशल। अब एक कॉमन प्रश्न होता है कि आप लोग इसमें कई लोग ऐसे होंगे जो दो चार प्रश्न गलत करके आ जाते होंगे, जिनको इजी प्रश्न होगा उनको आता था लेकिन गलती से टिक मार दिए बी की जगह सी, या कन्फ्यूजन हो गया, ऐसा क्यों होता है, तो उसके लिए हम सोल्यूशन बता देंगे। कुछ नहीं करना है, 50 से अधिक प्रश्न डेली प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बैंकिंग का तैयारी नहीं कर रहे हैं आप, स्पीड टेस्ट यहाँ पे नहीं है, नॉलेज टेस्ट है, याद रखिएगा। तो मिनिमम 50+, 50 से ऊपर 60-70-80 जितनी आपकी क्षमता है वो क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो BPSC के पैटर्न पे हो उसको आप प्रैक्टिस करेंगे, और आप देखेंगे 50 में से कितने प्रश्न ऐसे हैं जो ईजी थे आपने गलत कर दिए, धीरे धीरे आपकी वो गलती कम होती जाएगी, ज़रूर करेंगे वो लोग जिन जो ईजी प्रश्न को गलत करते हैं। क्या बिल्कुल नहीं करेंगे आज से, बहुत इंपॉर्टेंट, हम बार बार रिपीट करते हैं, आज से लेकर परीक्षा तक क्या नहीं करेंगे जी, अखबार नहीं पढ़ेंगे, अब सारा अखबार बंद कर दीजिए, करंट अफेयर आपका मैगजीन से काम चल जाएगा, नोट्स अब बिल बनाने का टाइम नहीं है आपके पास, नोट्स नहीं बनाएंगे, रफ करेंगे, रफ में लिखिएगा, नोट्स नहीं बनाइएगा, और क्या नहीं करेंगे, ग्रुप डिस्कशन बंद कर दीजिए, आप लोग करते नहीं, टाइम वेस्टिंग है, आज से लेकर 7 मई तक कोई ग्रुप डिस्कशन नहीं करना है, समय बचाइए, कोई भी नई पुस्तक नहीं खरीदना है जी,
कितना भी बड़ा देवता यहाँ पे आ जाए और आपको बोल दे कि इस पुस्तक में बहुत शानदार है, एकदम ले लीजिए पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ना है। अब जिस पुस्तक पे आपने पहले से पढ़ रखा है, जिसको आपने टिक लगा रखा है, अंडरलाइन कर रखा है, उससे भरोसा करना है, उसी को पढ़ना है। कोई नई पुस्तक आज से लेकर परीक्षा तक नहीं खरीदनी है, किसी और को नहीं पढ़ाना है जी, रिपीट कर रहा हूँ मैं, अपना अपना पढ़िए आप लोग, इन्हें किसी और को पढ़ाने लग जाइए पार्क में जाके, आज से बंद कर दीजिएगा अगर पढ़ा रहे होंगे तो। कम से कम 10 घंटा से कम अगर आप पढ़ रहे हैं बीपीएससी 67वां के लिए, तो आप लोगों के लिए बहुत जल्द नया वीडियो ला रहे हैं कि 68 बीपीएससी का तैयारी कैसे करें अगर 10 घंटा से कम पढ़ रहे हैं तो। और उसके बाद वो आपको मैं मंत्र देता हूँ सफलता का, जो डर्टी पिक्चर में विद्या बालन बोली थी कि किसी फिल्म की सफलता का एक ही मंत्र है, इंटरटेनमेंट। तो आपकी सफलता का एक ही सूत्र है भाई, वो है रिवीजन। कोई नई पुस्तक नहीं, रिवीजन, हर चैप्टर का रिवीजन, हर बुक का रिवीजन, हर करंट अफेयर का रिवीजन, हर बिहार स्पेशल का रिवीजन, 20-20 बार इतने टाइम्स रिवीजन कीजिए कि उसका एक एक डाटा आपके दिमाग में फिट हो जाए। इतना रिवीजन होना चाहिए कि आपको ऑप्शन प्रश्न पढ़ने के साथ ऑप्शन देखने से पहले आपको उसका जवाब पता होना चाहिए। तो आपकी सफलता का एकमात्र सूत्र है वह रिवीजन एंड रिवीजन। धन्यवाद।